हम लोग जिस दिन सिर काटने और कलम करने की बात किए थे, 30 लाख 51 लाख देने की बात किए थे, हमने तो कहा मैं अभी पढ़ता था सुनता था कि लोग ऋषि मुनि साधु सन्यासी पहले तो गुस्सा होते नहीं, और कभी उनको गुस्सा हुआ तो श्राप देते थे, बैठे बैठे थे। लेकिन आजकल के बाबाओं के पास, आजकल के साधु सन्यासियों संतों के पास अपने जप और तप पर भरोसा नहीं है, उनको विश्वास नहीं रह गया, उनको अपने आराध्य पर विश्वास नहीं है, इसीलिए साथ देने की हैसियत में नहीं, और इसीलिए अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। लगता है ये कसाई हो गए हैं, ये धर्मावलंबी नहीं बल्कि ये आतंकवादी हो गए, ये कसाई बन गए हैं, और साथ ही साथ इनके ऐसे हिंसक चेहरे हैं जिसको देख के लोगों को नफरत आएगी, और अगर इनका यही चेहरा बार बार आता रहा तो जो तमाम धर्म के नाम पर इनको चढ़ावा चढ़ता रहा वो भी लोग बंद कर देंगे। अभी तो आतंकवादी है, इसको चढ़ावा देना बंद कर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।